अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूखी लाल मिर्च की चटनी। ये मेरी दादी की रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ली हूँ और उसकी जो पीछे की जो डंडी होती है वो मैंने इसे तोड़ ली हूँ। ये 250 ग्राम्स लाल मिर्ची है। और अब यहाँ पे लेना है सूखा खोपरा, इसे सूखी वाटी भी बोलते हैं खोपरे की, ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने लहसुन ली हूँ, 2 गड्डी लहसुन को मैंने क्लीन करी थी। और यहाँ पे मैं ली हूँ 50 ग्राम्स इमली, इसकी भी जो सीड्स थी वो मैंने क्लीन कर दी, उसमें जो धागा होता है वो भी मैंने निकाल दी हूँ। तो बस अब शुरू करते हैं चटनी बनाना। तो अभी यहाँ पे लेना है आपको नॉनस्टिक बर्तन, आपके पास कुछ भी हो, पैन हो, कढ़ाई हो, उसमें आपको ये सूखी लाल मिर्च डालना है। गैस रखना है आपको, मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे भूनना है। जैसे ही पैन में मिर्ची डालेंगे, इस तरह से स्पैचुला से इसे हिलाते रहना है मिर्ची को, ना जो मिर्ची है एक तरफ ब्लैक हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, और एक तरफ नहीं वो भुनी जाएगी। तो इस तरह से सारी मिर्ची को इस तरह से आपको हिलाते रहना है ताकि हर जगह से रोस्ट हो मिर्ची। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी रोस्ट हो गई है सारी मिर्ची, और इसमें हल्का सा भुना हुआ सा कलर भी आया है। और अब बस मैं यहाँ पे गैस ऑफ कर दूंगी और मैं इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा कर दूंगी। अभी आपको लेना इस तरह का ग्रिलर, और इसमें मैं जो सूखा खोपरा है उसको मैं इसमें बर्न करूँगी हल्का हल्का सा। तो इस तरह से खोपरे को बर्न करना है, अलट पलट करके पूरी तरह से इसमें से अच्छी खुशबू आ जाए। ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा बर्न करना है इस तरह से, और कर देना है गैस ऑफ। और जैसे ही नारियल ठंडा हो गया था तो मैंने इस तरह से इसको कट कर चुकी हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको कट कर देना है। अब लेना है यहाँ पे आपको मिक्सी जार, और मैं यहाँ पे ये जो रोस्टेड करके रखी हूँ जो सूखी मिर्ची वो इसमें ऐड करूँगी जार के अंदर। तो यहाँ मैंने हाफ सूखी लाल मिर्ची ऐड करी हूँ और थोड़ा हाफ सूखा खोपरा ऐड करूँगी। पूरा एकदम से भर के नहीं डालूंगी, वरना मिक्सी जो है होता है वो एकदम से नहीं घूमता है, जाम हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ये दोनों को पीस लूँगी। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसे अब मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे मिक्सी जार में पीस ली हूँ, और जो बाकी का मिर्ची और नारियल है इसे भी मैं फिर से मिक्सी जार में डाल के पीस लेती हूँ। और सेकेंड टर्न में भी मैं 1/2 टीस्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ और इसे भी पीस लूँगी। तो मिर्ची और नारियल इस तरह से मैंने दरदरा सा पीस ली हूँ, और अब यही जार में मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। लहसुन के साथ में जो मैंने इमली रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे भी पीस लेना है बिना पानी के, आपको इसमें ज़रा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब यहाँ पे मैंने इमली और लहसुन को इस तरह से दरदरा सा पीस दी हूँ, और स्पैचुला से ये जो ऊपर की तरफ पीस के रखा हुआ है उसको मैं इस तरह से जार के नीचे कर दूंगी। और ये जो खोपरा और मिर्ची का जो ये पाउडर बनाई हूँ मैंने, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिक्सी जार में फिर से, और स्पून की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर देना है। और अच्छे से इसे फिर से 30 से 40 सेकंड तक इस चटनी को अच्छे से फिर से मिक्सी जार में पीस लेना है। 40 सेकंड्स के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छी मिक्सी में पूरी चटनी जो है वो पीस गई है, और सब एक तमाम मटेरियल सब एक हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसको अच्छे से फिर से स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर दूंगी, क्योंकि जो इमली होती है उसमें थोड़ा मॉइस्ट रहता है, तो इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक टेस्ट करूँगी। तो मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने 1/2 टीस्पून जितना नमक ऐड करी, नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक मैं इसमें यहाँ पे ऐड करके इसे फिर से 30 सेकंड तक अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसे एयर टाइट डब्बे में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तैयार है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मिर्ची, सूखे लाल मिर्ची की और नारियल की चटनी। ये मेरी दादी की फेवरेट चटनी में से ये एक चटनी है। वो अक्सर बारिश के सीज़न में ये चटनी बनाते हैं। मुझे भी उन्होंने बोला कि ये रेसिपी मैं ज़रूर सबको शेयर करूं, और आप लोग भी इसे दाल चावल के साथ में, पराठे के साथ में, रोटी के साथ में खा सकते हैं। और इस चटनी को बारिश के सीज़न में ही बनाते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।